हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी प्रेस कॉलोनी के अंदर हो क्यों रही है, ये सारे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहले हमें हमारे आदमी को सीज कर सुबह से हम देख रहे हैं हमें और लाठीचार्ज भी थी, बहुत सारे लड़के को यहाँ पे लाठीचार्ज की और हम बहुत परेशान हैं। सुबह से हम जो दिन भर कमाते हैं वो हम शाम को खिलाते हैं घर वालों को, ये बोलते हैं कि एम ए रोड से मत चलो, हमें बस यही खाली एक रूट है जो एम ए रोड का है जो यहाँ से सर्विस चलती है ई रिक्शा ऑटो है, ई रिक्शा बैटरी वाली, ये यहाँ से एम ए रोड से जहाँ की चौक डाल के चलते हैं, यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है, सर्विस कुछ भी नहीं है, तो हम आप यही ई रिक्शा चलाते हैं, हम सारे यहाँ पे ऑटो वाले हम सबको ऑटो सीज किए वो संगरमान में, ये बोलते हैं कि यहाँ से मत चलो, हमने कौन सा गुनाह किया, ये हमें बोलते हैं कि यहाँ से मत चलो, हमें कहाँ से चलो, हमने बैंक पे सूद पे ये निकाला है ऑटो निकाला है, हम क्या बैंक वालों को देंगे, हम घर वालों को क्या देंगे, हम घर वालों को क्या खिलाएंगे, हमारे पीछे माँ बाप है बहन भाई है उनको क्या खिलाएंगे, जो हम दिन भर कमाते हैं वो शाम को घर वालों को खिलाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को भी राहत इस चीज़ से मिली जी जी, आवाम को भी बोल सकते हैं अगर उनको हम रिक्शा छोड़ेंगे उसी टाइम पर हम चलाएंगे, तो आरटीओ साहब ने भी एक सर्कुलर निकाला क्या वजह, हमें वही पता नहीं है, हमें मतलब कुछ भी पता नहीं है, हमें बस यहाँ पे बोलते हैं खाली जहांगीर चौक में बोलते हैं कि मतलब उसमें ट्रैफिक वाला पीछे चढ़ता है ऑटो में और उठाते हो संगरमाल में जाते संगरमाल में बंद करके फिर वो बोलते हैं कि कोर्ट चला अब क्या चाहते हैं, हम बस इतना चाहते हैं हमें एम ए रोड से चलने की, या हमें या तो हमें ऑटो वो वापस कंपनी लीजिए वापस ऑटो लेगी हमें डाउन पेमेंट वापस दीजिए, हम मजदूरी करेंगे, हम इससे इसके बारे में बढ़कर क्या सकते, हमने ऑटो लाया था हमने सोचा था कि आवाम को भी इसे आसाई हो जाएगी और हमारा भी घर चलेगा, हम जो दिन भर रुपये 1000 कमाते या 500 रुपये कमाते हम वो शाम को घर जाते और अपने परिवार को खिलाते।